गाइस स्टॉप स्टॉप, अब शूज उधर निकालो। जब तक हम ये दिए लाइट करना खत्म कर देंगे, एएसआर भी अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल से फ्री हो जाएंगे और फिर हम सब बैठ के बातें करेंगे। एक्सक्यूज मी ला, शूज निकालो। नो वेज। यस मैम, द गॉड इज हियर ना, एंड वैसे भी नानी जी के लिए ये जगह बहुत सीक्रेट है। अरे ये तुम हो ला, यह तुम्हारी स्कूल पर्सनालिटी, तुम कब से इस तामझाम में पढ़ने लगी? ओ लक्ष्मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? Oh my God! ला, इस गोट का नाम भी है लक्ष्मी। बहुत क्यूट है ना? डॉग्स पेट हो सकते हैं लेकिन गोट? No, she's really lovable. ये तो हमारी फैमिली का एक पार्ट है। अब लक्ष्मी, आप अभी जाओ, तुम यहाँ लग जाएगी, तुम नानी के रूम में जाओ, गो। Oh my God, ला, ऐसी बातें करना बंद करो। सीरियसली मुझे लगता है मैं तुम्हारी स्प्लिट से बात कर रही हूँ। यार ये बोरिंग बातें बंद करो, चलो। अब गाइस, मैंने कहा ना, ये मंदिर है और यहाँ भगवान जी है और नानी जी के लिए इस जगह की इम्पोर्टेंस, एंड यू नो ना, मैं उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती। नानी जी, आई मीन उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन कम, झुर्रियां ज्यादा दिखाई देती है। और हाँ, वो अपने आप को समझती क्या है, हमें ऐसे देख रही थी जैसे हम किसी दूसरे प्लैनेट से आए। Enough guys, it's not funny, okay? नानी जी के बारे में ऐसे बात मत करो, वो हमसे बड़ी है और हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ओके? ला, स्टॉप एक्टिंग लाइक अ बहन जी। अपनी फैमिली के लिए केयर करना, इस बात का ध्यान रखना कि नानी जी इस बात से अपसेट होगी, डजंट मेक मी अ बहन जी। और तुम लोगों का इस तरह से बिहेव करना डजंट मेक यू ऑल मॉडल, ओके? मुझे भी समझने में टाइम लगा था, लेकिन अपने ट्रेडिशन संस्कार सीखना कोई बुरी बात नहीं होती। अगर तुम किसी बात को नहीं मानते लेकिन उससे ही हमारे किसी बड़े को खुशी मिलती है, तो उसे करने में प्रॉब्लम क्या है गाइस? ला, व्हाटएवर, एनीवेज गर्ल्स, लेट्स जस्ट गो। खुशी बिटिया, सिर्फ दिखावे के खातिर बाहर से नहीं बल्कि आपने तो इनका मन में बदल के दिखा दिया। ये वही मिस का सब है। जीती रहो बेटा, जीती रहो। लावण्या जी, हैप्पी दिवाली। अरे अपने तो गले मिलते हैं। दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो, ये लीजिए आपके लिए। You know what? दी ने जो हमें हैम्पर्स दिए थे वो एक्चुअली गलती से ना स्विच कर गए। आई मीन ये रेड साड़ी मुझे पहनी थी, एक्चुअली एएसआर का फेवरेट कलर है, और ये ब्लू तुम्हें। माफ कीजिए लावण्या जी, वो पता नहीं। अरे डोंट बी सो सिली, इट्स ओके, तुम पे ये बहुत अच्छी लग रही है। हाफी धमाकेदार दिवाली। पटाखे? अब क्यों, तुम्हें पसंद नहीं? ना लोगों के लिए अच्छे होते हैं और ना हवा पानी के लिए, पटाखों से सिर्फ शोर मचता है। और हमने आपको बताया था ना लावण्या जी, छोटे छोटे बच्चे अपनी जान जोखिम में डाल के पटाखों के फैक्ट्री में काम करते हैं, तो हम इस बात को बढ़ावा ना ही दे तो अच्छा है। और वैसे भी दिवाली मनाने के लिए चारों तरफ जगमगाहट चाहिए, शोर नहीं तो उन पटाखों की क्या जरूरत है? एक बार इस जगह को दियों से सजाकर तो देखिए कितना सुंदर लगेगा। ओके, अब चिमकीली मैं ये रख के आती हूँ, और इन दियों के लिए मैं ऑयल लेके आती हूँ। ओके ठीक है।
अरे ये क्या कर दिया तुमने, तुमने तो अपने आप को दियो में घेर लिया। चमकीली केयरफुल, ए सर चमकीली की हेल्प तो करो प्लीज। अब मैं बाकी दियो में तेल डालती हूँ। अरे तुम्हारे एक पैर की पायल ही नहीं है। आई थिंक शायद वहां गिर गई होगी। नहीं वो घूम गई थी। बट फिर तुमने दी से क्यों नहीं लिया? हमने आपको बताया था ना लावण्या जी, वो हमारी अम्मा की निशानी है, इसलिए हमने उतार के कोई और पायल नहीं पहनी। ओह हाँ, चलिए। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।